हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सुमोल आईवी इन्फ्यूजन का फुल रिव्यू। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ इस इन्फ्यूजन का इस्तेमाल डॉक्टर कब करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं। ये वीडियो जो है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है ओनली, इसको सेल्फ मत यूज़ करें। जो ये मेडिसिन है ये डॉक्टर या हॉस्पिटल में ही यूज़ होता है, सेल्फ नहीं यूज़ होता है विदाउट डॉक्टर के एडवाइस के बिना। इस बात का ख्याल रखें, नॉलेज के लिए आपके मैं बता रहा हूँ। बात कर लेते हैं सुमोल आईवी इन्फ्यूजन की, तो ये हर एक मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। तो जो डॉक्टर हैं जिन पेशेंट में देखते हैं इन लोगों को बुखार की दिक्कत है, अगर मैं मेडिकल फील्ड की अगर बात करूँ मेडिकल लैंग्वेज में, तो जो इसका मेनली इंग्रेडिएंट है पैरासीटामोल इन्फ्यूजन 10 mg/ml, तो इसको मेनली जो यूज़ किया जाता है एंटीपायरेटिक हो गया, एनाल्जेसिक हो गया, एंटी इन्फ्लामेशन। हालांकि जिन पेशेंट को देखा जाता है बुखार की प्रॉब्लम है, बुखार नहीं उतर रहा, बुखार किसी की वजह से हो, डेंगू बुखार हो, टाइफाइड बुखार हो, चिकनगुनिया हो, या किसी इन्फेक्शन की वजह से उसको बुखार बार बार हो रहा है तो नहीं उतर रहा है, उस कंडीशन में डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। और जो ये ड्रिप में इसको आईवी यूज़ होता है, ये सिंगल डोज है ओनली, एक टाइम में एक बार ही यूज़ होता है। और जो उसकी डोज एंड ड्यूरेशन होती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जिस हिसाब से कंडीशन हो या वेट हो, ये वीडियो के लास्ट में आपसे मैं डिस्कस करूँगा इसके बारे में जब हम डोज के बारे में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं इसके बेनिफिट की। तो इसको मेनली जो देखा जाता है जिन लोगों को पेन भी हो, पेन लाइक डेट आप कह सकते हैं, डेंटल पेन हो, ज्वाइंट्स पेन हो, मसल्स पेन हो, ड्यूरिंग पीरियड जिन लोगों को पीरियड की प्रॉब्लम होती है, एमसी के टाइम में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो वो लोग भी इसको यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब कर देते हैं। या ऐसा भी होता है समटाइम्स कि प्रेगनेंसी के दौरान बुखार बहुत तेज़ी से हो जाता है, तो उस टाइम जो होता है और कोई भी चीज़ मेडिसिन लेने में वॉमिटिंग होने लगती है, तो डॉक्टर इसको बहुत ज़्यादा सेफ़ समझते हैं और सेफ़ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसको लगाने के बाद 30 मिनट के अंदर ही पेशेंट को रिलीफ मिलना चालू हो जाता है। तो ये तो हो गया इसके यूज़ किस कंडीशन में किया जाता है। बात कर लेते हैं इसको किस कंडीशन में नहीं किया जाता है। तो इसका जो सबसे फर्स्ट फॉल है, जिनको लीवर की प्रॉब्लम होती है, किडनी की प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल नहीं यूज़ होता है। और जिन लोगों को अल्कोहलिक कह सकते हैं, अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, या डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, या कुपोषण के शिकार हैं, या जिन लोगों को एलर्जी की पैरासीटामोल जो इंग्रेडिएंट है वो एलर्जी कर रहा हो, तो उनको भी यूज़ नहीं होता है। और नॉर्मली अगर मैं इसके साइड इफेक्ट की बात करूँ तो साइड इफेक्ट बहुत रियर देखा जाता है, 100 में से एक आधे लोगों को हो गया। जैसे कि जिन लोगों को पैरासीटामोल इंग्रेडिएंट एलर्जी कर रहा होगा, तो उसको लेने के तुरंत बाद ऑल ओवर बॉडी में इचिंग चालू हो जाएगी, दाने पड़ जाते हैं बड़े बड़े, घबराहट, बेचैनी या रेडनेस हो जाता है, तो उस कंडीशन में अपने डॉक्टर को बताएं उसको लेना बंद कर दें, और डॉक्टर खुद ही बंद कर देंगे जब ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको लग रहा है या दिख रहा है, तो देखने के बाद डॉक्टर तुरंत बंद कर देंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज एंड ड्यूरेशन की। डोज एंड ड्यूरेशन जो है, मैं अडल्ट की बात कर रहा हूँ, जो पेडियाट्रिक होते हैं डॉक्टर अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। अडल्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा जो 50 से 55 की वेट में होते हैं तो उनको ये पूरा यूज़ होता है। और मैं बात करूँ इसको यूज़ कितनी बार कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, दिन में 2 बार 3 बार जिस हिसाब से इसको फीवर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये यूज़ कर लेते हैं, और नहीं तो ज़रूरत पड़ने पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फीवर जब होगा तो इसको यूज़ कर लिया जाता है, या पेन की प्रॉब्लम हो। और बात कर लेते हैं इसके अब MRP की और कुछ पैकिंग की। तो पैकिंग इस तरह की है, और MRP की मैं बात करूँ तो 229 रुपये इसका MRP है, देख पा रहे हैं 100 ml की पैकिंग में आएगा, तो सिंगल डोज होता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपके माइंड में लग रहा है इसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन और चाहिए जो मैं बता नहीं पा रहा हूँ, या मेरे माइंड में इस टाइम नहीं है, तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, इसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। अगर मैं इसके बारे में डीप अगर मैं बात करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। सो जो भी आपका सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट जरूर करिएगा।